सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ शुक्र के उपाय के बारे में। जी हाँ, जिन लोगों का शुक्र पीड़ित है, शुक्र नीच का है या शुक्र 6-8-12 भाव में विराजमान है, अगर आपके लग्न के हिसाब से शुक्र शुभ भाव का स्वामी होकर किसी अशुभ भाव में बैठा है तो उस स्थिति में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। सबसे पहले और बहुत ही ज्यादा और सटीक उपाय यह है शुक्र को मजबूत करने के लिए कि आप अपने नहाने वाले पानी में, यानी एक बाल्टी आपको पानी लेनी है नहाने के लिए, उसमें एक छोटा सा लोटा या ग्लास में गाय का कच्चा दूध मिलाना है और साथ में 2 या 3 रेशे केसर के भी डाल देने हैं। मतलब उस पानी में दूध और केसर का मिश्रण होना जरूरी है। उस पानी से आप हर सुबह सूर्य उदय के बाद नहाइए, उससे शुक्र काफी मजबूत होता है। अगर ये पॉसिबल नहीं हो रहा है तो और एक ऑप्शन ये है कि आप दही लीजिए, दही में थोड़ा सा हल्का सा केसर या हल्दी मिलाइए। अगर हल्दी नहीं पॉसिबल हो रहा है तो सिंपल दही लेकर ही आप काम कर सकते हैं। दही को पूरे अंग में, पूरे बॉडी में आपको लगाना है, उसके बाद स्नान करना है, उसके बाद नहाना है। इससे जो है शुक्र बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। या फिर जिन लोगों का शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ा में है या पीड़ित कर रहा है, यानी अष्टमेश होकर या द्वादशेश होकर या छठे भाव का स्वामी होकर आपको दुख दे रहा है, तो ऐसी अवस्था में उनके नेगेटिव इफेक्ट को काटने के लिए आपको सफेद गाय को चारा खिलाना चाहिए। एक दूसरा, 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। अगर कोई गरीब छोटी कन्या है तो उसको आराम से बिठाकर अच्छे वस्त्रों का दान दीजिए और पेट भर के खाना खिलाइए। या फिर किसी वृद्ध व्यक्ति को, या वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, आप दूध और चावल से बने खीर को जरूर खिलाइए। इससे शुक्र की जो पीड़ा है वो पूरी तरह से खत्म हो सकती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।